उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंत दिगंबर राजगिरी के अपहरण को लेकर एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। बता दें, देवथला कटापत्थर स्थित प्राचीन भद्रकाली मंदिर के महंत दिगंबर राजगिरी कई दिनों से गायब से हैं। बताया जा रहा है कि आसपास के दबंगों द्वारा मंदिर की जमीन को कब्जा लिया गया है, जिसके बाद से ही महंत मंदिर से गायब है। वहीं आप नेता उमा सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि हिंदुत्व की बात करने वाली बीजेपी के राज में महंत भी सुरक्षित नहीं है। भाई, यहाँ पर जो मामला है वो एक महंत से जुड़ा हुआ मामला है, और सबसे बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात ये है कि हमारा उत्तराखंड या हमारे बीजेपी गवर्नमेंट क्यों अपने आप को महंतों की, महर्षियों की और राम जन्मभूमि की और गंगा सफाई की या हिंदू धर्म की या हिंदुत्व की बात करती है। आज वो बीजेपी की गवर्नमेंट है या मोदी जी हैं या त्रिवेंद्र रावत जी हैं या उस क्षेत्र के विधायक जो हैं मुन्ना सिंह चौहान जी हैं, आज वो लोग कहाँ चुप हैं? वो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम राजनीति की बात करते हैं, तो मैं उन्हीं से क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आज वो कहाँ चुप हैं? एक आश्रम के महंत पिछले 9 तारीख से गायब हैं, उनका कोई पता नहीं चल रहा है, पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। ये लोग जाते हैं मुन्ना सिंह चौहान जी के पास जाते हैं या और किसी थाने में जाते हैं या मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से इनको कोई भी सार्थक जवाब नहीं दिया जाता। तो मैं सब ये जानना चाहती हूँ कि हिंदुत्व की बात करने वाले हमारे त्रिवेंद्र रावत जी आज हमारे महंत राजगिरी जी के, महंत जमुना गिरी जी के ऊपर जो संकट आया हुआ है उसको किस तरह से देखते हैं? तो मैं तो उनसे ही जवाब मांगती हूँ, अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो आप सामने आइए और इस पूरे परिदृश्य का जो गायब है, वो 4-6 दिन से वो गायब है, तो उसके बारे में आप अपनी राय रखिए और पुलिस को बोलिए कि वो इस मुद्दे को सार्थक रूप से उठाएं। ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी को सड़कों पर उतर कर आना पड़े और ये मुद्दा जो हिंदुत्व का मुद्दा वो लोग लेकर चल रहे हैं उसको भी हम लोग छीन। अभी तक कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही है और महाराज जी 9 तारीख की रात से 2 बजे से, मोहनगिरी का कहना है कि रात को 2 बजे महाराज जी चले गए, और महाराज जी रात को जाने का, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ जंगल है, 2 बजे जाने का कोई साधन नहीं है, ना ही कोई ऐसी परिस्थिति है कि महाराज जी वहाँ से 2 बजे चले जाए। वो बीमार है, वो और महाराज जी को दमे की बीमारी है और उनको बगैर पंप के वे ज़्यादा देर नहीं रह सकते। मेरे को ये लग रहा है कि जो लोग महाराज जी के ऊपर दबाव बना रहे थे, 22 तारीख को इन लोगों द्वारा मीटिंग करी गई, 9 तारीख की शाम को भी मीटिंग हुई है, इन लोगों द्वारा या तो अपहरण किया गया या महाराज जी का रखा गया है इनके द्वारा। वहाँ पे एक मोहनगिरी है जो पहले वहाँ पे रह रहा था, एक वीरेंद्र सिंह चौहान है और एक खेमचंद तोमर है और एक अतर सिंह है जो उनका पिताजी है मोहनगिरी का, और ये 7-8 लोग हैं जो कि जिन लोगों द्वारा मुझे धमकी, महाराज जी को धमकी दी जा रही थी, और इनके ऊपर आशंका है कि इन लोगों द्वारा ऐसा किया जा सके।